और इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है। राज्यसभा में गृह मंत्री अमित शाह ने मानवाधिकार हनन को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। विपक्ष के सवालों के जवाब में अमित शाह ने कहा है कि आतंकियों का सिर्फ मानवाधिकार नहीं होता है, मानवाधिकार तो धमाके में मारे जाने वाले लोगों का भी होता है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ा बयान दिया है और साफ कहा है कि आतंकियों का सिर्फ मानवाधिकार नहीं होता, मानवाधिकार उन लोगों का भी होता है जो धमाके में जान गंवाते हैं। मानवाधिकार एक तरफा नहीं हो सकता, धमाके में मरने वालों का भी मानवाधिकार है और उनके मानवाधिकार का जिक्र कोई नहीं करता क्योंकि उनकी जान चली गई है। सिर्फ आतंकियों का मानवाधिकार नहीं होता, राज्यसभा में ये अमित शाह ने बयान दिया है और मानवाधिकार हनन के आरोपों को लेकर यह बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि आतंकियों के मानवाधिकार की बात की जाती है लेकिन आतंकियों का सिर्फ मानवाधिकार नहीं होता, मानवाधिकार उन लोगों का भी होता है जो आतंकी हमलों में मारे जाते हैं, धमाकों में जान गंवाते हैं। ह्यूमन राइट के दो पहलू होते हैं। मैं मानता हूं कि जिसको कानून पकड़ता है उसका भी ह्यूमन राइट है, उसका भी सम्मान होना चाहिए, परंतु उपसभापति महोदय, हत्या जिसकी होती है, जो घर निराधार हो जाता है, जो घर का एक ही कमाकर घर का पालन पोषण करने वाला व्यक्ति मर जाता है, उसके बाल बच्चों का भी कोई ह्यूमन राइट होता है या नहीं होता है, इसकी चिंता भी सदन ने करनी है या नहीं करनी है। ह्यूमन राइट कभी एक तरफा नहीं हो सकता। जब बम धमाके होते हैं, टेररिज्म फैलता है, हजारों हजारों लोग मारे जाते हैं, मरने वालों का भी ह्यूमन राइट है, सिर्फ टेररिस्टों का ह्यूमन राइट नहीं है। गुनाह के विक्टिम उसका भी ह्यूमन राइट है, सिर्फ गुनेगार का ह्यूमन राइट नहीं है। अगर हम कानून बनाने वाली संस्थाएं ये दोनों ह्यूमन राइट के बीच में भले बुरे का अर्थ नहीं समझेगी, दोनों के बीच में संतुलन नहीं बनाएगी, तो हम किसको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं? और यह वक्त एक छोटे से ब्रेक का, हम तुरंत हाजिर होते हैं। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.